हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी एक्सेल ज्ञान। मैं हूं विकास। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सेल की दो नई टिप्स के बारे में जो आपके काम को स्मार्ट तरीके से इजी बना देगी। जैसे आपके पास बहुत सारा डेटा होता है, जिसमें से मैं पहली टिप्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि हाउ टू डिलीट ब्लैंक रो। यानी एक्सेल का एक बहुत बड़े डेटा पे आप काम कर रहे हो और उसमें से कई सारी ब्लैंक्स रो आ गई हैं जिनको आपको रिमूव करना है, तो उसे फास्ट तरीके से कैसे रिमूव करेंगे। दूसरा ये कि आपको अपने एक बड़े डेटा बेस में अपने नंबर के पहले जीरो इंसर्ट करना होता है, तो उस पर जीरो अप्लाई नॉर्मली होता नहीं, तो उसे कैसे लगाएंगे तो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहले वाले ऑप्शंस को, हाउ टू डिलीट ब्लैंक रो। उसके लिए मैंने ये शीट बनाई हुई है, तो डिलीट रो में हम चलते हैं। यहाँ पर ये क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर कलर किया हुआ है, कलर करना मतलब मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि ये ब्लैंक रो है। आपके पास एक बड़ा डेटा आ गया और आप उसे चाहते हैं कि रो को डिलीट करना है, तो आप उसको इजी तरीके से कैसे करेंगे। या तो उसे फिल्टर लगा के ब्लैंक ब्लैंक वाले रो को आप हटाएंगे, या फिर आपके पास कई अलग अलग रो में हैं तो फिर उन रोज को सेलेक्ट करके फिल्टर लगाना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर है तो यहाँ पर आपने ब्लैंक में लगा लिया, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी आपको ब्लैंक में ही लगाना पड़ेगा। तो आपको ऐसा ना करना पड़े, उसके लिए क्या करना है, आपको सिंपल सेलेक्ट करना है सारे सारे डेटा को। सेलेक्ट कैसे करते हैं, उसके लिए शॉर्टकट के कंट्रोल ए आपने सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद आपको एक और शॉर्टकट की प्रेस करनी है कंट्रोल जी। ये गोटू की शॉर्टकट की होती है। ओके, ये गोटू, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए गोटू, गोटू में आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है स्पेशल, यहाँ स्पेशल पे आपको क्लिक करना है, तो इसके बाद एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये देखिए डायलॉग बॉक्स, इस पर आपको पहले ही हीरो में नीचे दिखेगा ब्लैंक, ये ब्लैंक ऑप्शन पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। जैसे करेंगे तो इसने हाईलाइट कर दिया जहाँ जहाँ पर ब्लैंक है, मतलब आप 1000 डेटा पे काम कर रहे हो तो सारी रोज को हाईलाइट कर देगा। हाईलाइट कैसे किया हम कैसे जानेंगे, तो ये देखिए आप लेफ्ट कॉर्नर पे जो जो हाईलाइटेड रो है उसको सेलेक्ट किया हुआ है इसने। अब हमें करना क्या है, अब सिंपल सा हमें चाहे तो होम मेन्यू के हम डिलीट ऑप्शन पे डिलीट शीट रो का उपयोग करें तो भी डिलीट हो जाएगा, करके देखते हैं। ये देखिए तो यहाँ पर जो ब्लैंक रो थी वो अपने आप ऑटोमेटिक डिलीट हो गई। तो मैं इसको अंडू करता हूँ, इससे आपको दोबारा बता देता हूँ शॉर्टकट की के माध्यम से। ये मैंने किया, ये तो हमारा मेन्यू के जरिए था, अब इसे हम शॉर्टकट की के माध्यम से करेंगे। तो करना क्या है, कंट्रोल और माइनस अपने कीबोर्ड की बटन को प्रेस करना है, तो ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस पर आपको तीसरे नंबर यानी इंटायर रो को सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है, तो यहाँ पर ये इसको डिलीट कर देता है। तो ये था कि ब्लैंक रोज को कैसे डिलीट करना है। ठीक है, इसी प्रकार आप कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं। अब हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आता है कि हम जब किसी सेल में हम नॉर्मल इंटर कराते हैं या नंबर, तो उसके पहले जीरो नहीं लेता है। जैसे मैं यहाँ पर जीरो करता हूँ और कोई भी नंबर करता हूँ, मान लीजिए अकाउंट के दौरान आप यूज करते हैं, तो यहाँ पर जीरो नहीं लेता है, लेकिन हमें जीरो इंटर कराने की ज़रूरत होती है। मान लीजिए हमें आप एक अकाउंट का नंबर इंटर करें, जैसे ये साइड में मैंने लिखा हुआ है, तो ये जीरो यहाँ पर इंटर कर रहा है। ओके, तो करना क्या है कि आपको यहाँ पर जीरो इंटर करा के बाद में उसके अकाउंट नंबर करना है, क्योंकि अकाउंट नंबर का पार्ट भी तो जीरो होता है, तो शुरू में जीरो आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आता नहीं। तो करना क्या है, हमें सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है। आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए चाहे सेल्स को, और होम मेन्यू के जो ये हमारे पास नंबर ऑप्शन है तो इस पर जाएँ, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपके सामने फॉर्मेट सेल का। इस पर पहले ही नंबर वाले ऑप्शन में, ये पहला नंबर वाला ऑप्शन है, इस पर आपको नीचे जाना है टेक्स्ट में, टेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर ओके कर देना है। अब मान लीजिए आप यहाँ पर नंबर के साथ इंटर करते हैं कोई भी अकाउंट नंबर या डिजिट, तो यहाँ पर ये कर लेता है। ठीक है, तो ये थी पहली हमारी ट्रिक। इसको शॉर्टकट के माध्यम से भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ पर कंट्रोल और वन प्रेस करना है, डायलॉग बॉक्स सेम ओपन हो जाएगा, यहाँ पर टेक्स्ट पर सेलेक्ट करिए और ओके कर दीजिए, और यहाँ पर आराम से आप जीरो लगा के आगे के डिजिट्स लिखिएगा या यहाँ पर एक्सेप्ट करने लगेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी शॉर्टकट की जिसमें हमने दो चीज़ों को जाना। आई होप कि ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो आप वीडियो को लाइक से और कमेंट जरूर करिएगा, और कमेंट करके हमें बताएं कि आपके लिए कितना उपयोगी रहा और इस वे को और कितने तरीके से आप कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।